वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम आज से आपके बारे में आपके साथ फिर नीट 2020 की चर्चा के लिए शुरू होते हैं। नीट 2020 का एग्जाम करने से पहले आपको एक बात कंपटीशन के दिमाग में रखनी चाहिए और वो ये है कि जिस समय आप बोर्ड का पेपर देते हैं उस समय आपके पास एब्सोल्यूट मार्किंग माइंड में होती है, एक से ज्यादा सैकड़ों बच्चों के एक पर्टिकुलर नंबर आ सकते हैं, लेकिन नीट के लिए आपको औरों से बेहतर करना है। इतना फर्क समझिए, औरों से बेहतर करना है। 12-14 लाख बच्चों में से आपको अपने लिए टॉप 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 जो भी आपको रैंक चाहिए मन में आपके है उसके लिए आपने प्रिपेयर करना है। इसके लिए यहां पर यह जरूरी हो जाता है कि एग्जामिनर आपसे किन टॉपिक्स पर बात करता है और आपको किन टॉपिक्स को अधिक तवज्जो देनी चाहिए। कारण बड़ा सीधा है। मान लीजिए एक टॉपिक आपने ले लिया किसी भी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, जिसको आप जरूरत से अधिक पूरा पढ़ गए, तो प्रश्न यह है कि आएगा तो उसमें से एक या दो या लिमिटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, 3-4 जितने भी आते हैं, अब उन चार क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम 16 नंबर मिलेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं मिलने वाले ना। तो और अधिक उस टॉपिक को पढ़ के फायदा क्या जिसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ऐसी स्ट्रैटेजी आपको माइंड में रखनी है कि लिमिटेड टाइम में आप कैसे उसको प्रिपेयर करें। देखिए, आज की तारीख में हमारे पास डेट है उसकी 3 मई 2020, संडे, पहला मई के महीने का। आज दिन लगभग 60 दिन उन लोगों के हैं जिन्होंने ड्रॉप किया है बोर्ड नहीं देना, जिन्होंने बोर्ड देना है उनके लगभग 40-45 दिन आपके पास बचे हैं, 45 दिन लगभग। और इन 45 दिनों में या 60 दिनों में आपकी प्रिपरेशन टू द टारगेट होनी चाहिए, कैसे उसको पढ़ना है। अब आपको पता है कि स्टूडेंट्स के अंदर मैक्सिमम प्रॉब्लम, मतलब एडवांटेज पॉइंट ये है कि बायोलॉजी मैक्सिमम स्टूडेंट्स कर पाते हैं, तो आपको इसमें कम से कम 330 प्लस का टारगेट रखना है। इस समय मैं नेशनल रैंक के बारे में बात कर रहा हूं, 330 प्लस का टारगेट इसमें रखें। केमिस्ट्री में टारगेट आपका 150 प्लस होना चाहिए और फिजिक्स में टारगेट आपका 140 प्लस होना चाहिए। इन सबसे आपके पास जो मार्क्स आ जाते हैं वो 610 के आसपास आ जाते हैं, 610 प्लस, तो आप कंफर्टेबल से नेशनल रैंक में आने की संभावना रखते हैं। इससे ऊपर कितना भी आप जाइए अच्छी बात है। तो अब हम आपसे कुछ टॉपिक वाइज फिजिक्स के बारे में ज्यादा डिटेल में, मैं हमेशा बात करता हूं और अभी भी फिजिक्स की ही मैं ज्यादा आपसे बात करूंगा। मैंने आपको नीट 2019 के समय पे नीट 2018 का एक सेटअप दिखाया था, वो सेटअप आपको फिर दिखाना चाहता हूं। इसमें हमारे पास, हमने पूरे 11th और 12th के सिलेबस को वर्क पावर एनर्जी तक का पूरा मैकेनिक्स एक पोर्शन ले लिया था, रोटेशनल ग्रेविटेशन अगला टॉपिक लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जिसमें लिक्विड्स भी आए, गैसेस भी आए, सॉलिड्स भी आए, थर्मोडायनामिक्स एक ले लिया, वेव्स ऑसिलेशन को एक ले लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक ले लिया, करंट को एक ले लिया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड मैग्नेटिज्म को एक लिया, ईएमआई एसी को एक लिया, कंप्लीट ऑप्टिक्स को हमने वेव और रे दोनों को जोड़कर एक लिया, एटम्स को एक लिया और सेमीकंडक्टर्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एक लिया। इस एटम में न्यूक्लियाई भी कन्वर्टेड है, एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई के जो 2-3 चैप्टर एनसीईआरटी में सारे जुड़कर इसके अंदर है। तो तब मैंने आपको 2018 में आपको ये टारगेट बताया था कि इतना लगभग इतने इतने परसेंट इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है नीट के पेपर में, जो 2018 का था। देखिए, 32 मार्क्स का वर्क पावर एनर्जी था, रोटेशन था, ग्रेविटेशन वगैरह हर एक के मार्क्स थे। मार्क्स वाइज शायद आपको 180 मिल जाएगा, लेकिन परसेंटेज वाइज आप चेक करेंगे तो 100% के आस एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ा राउंड ऑफ किया गया है आपको पता है, इस वजह से लगभग ये है। लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसके बेस पर आपको ये बताया गया था कि कौन से टॉपिक्स आपको निश्चित रूपेण करने हैं। और निश्चित रूपेण क्यों करने हैं, क्योंकि वो टॉपिक कम मेहनत से आपको ज्यादा नंबर दिलवाते हैं। जैसे एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई ले लीजिए, अब ये 24 नंबर का आपके पास आ चुका है। अब आप देखें 32 नंबर तक का टिल वर्क पावर एनर्जी है, जो फिजिक्स की लगभग आधी किताब है, और उसके कंपैरिजन में एटम मॉलिक्यूल निकला है, 3 छोटे छोटे टॉपिक है, वो आपको 24 नंबर दिला सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आप देखिए 24 नंबर का वो आ जाता है, सेमीकंडक्टर का 12 नंबर का है। आप देख सकते हैं इन चीजों को, जिससे आपको ये क्लियर हो कि जिन टॉपिक्स में मुझे कम मेहनत से ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं मुझे उनको पहले करना है। फिर आपको मैंने इसके बाद एक लिस्ट दी थी कि दो चीजें में, एक हमको
मस्ट डू है, जिसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। दूसरा लेट्स डू इट। तो मैंने आपको मस्ट डू में आपको तीन टॉपिक बताए, चार। पहला बताया था टिल वर्क पर एनर्जी, क्योंकि इसके बिना तो आप पूरी फिजिक्स की 11वीं की और 12वीं की कर नहीं पाएंगे, आपको ये पक्का करना ही करना है। लेकिन साथ में मैंने आपको बताया कि ईएमआई एसी में मस्ट कीजिए। मस्ट इसके लिए कीजिए, नंबर आपको शायद 8 नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। इसी प्रकार एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर पुराने टॉपिक आपको मालूम है, केमिस्ट्री से संबंधित है, जिसको आपने पढ़ चुके हैं। यही हालत सेमीकंडक्टर की भी है, जिसके अंदर सिर्फ गेट्स के क्वेश्चन या स्टेट वे फॉर्मूले में तीन चार टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, मस्ट में आपके पास ये सारे क्वेश्चन आप कीजिए, ताकि आप इसको कर पाए। फिर हमारे पास था डू इट। डू इट का मेरा मतलब था कि आप अगले स्तर पर इनको ले लीजिए, क्योंकि इसमें भी कम मेहनत में नंबर आते हैं, जैसे रोटेशन एंड ग्रेविटेशन। रोटेशन अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा टॉपिक है। बच्चे देख के समझते हैं कि शायद रोटेशन सर बहुत टफ है, इसको कैसे करेंगे, ये तो कभी 11th में भी समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, लेकिन नीट के लिए रोटेशन मुश्किल नहीं है। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं, नीट के लिए रोटेशन मुश्किल नहीं है। तो इसलिए इसी प्रकार प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस में स्टेट क्वेश्चन आएंगे। थर्मोडायनामिक्स में आपके पास देखो नंबर 8 है, प्रॉपर्टीज में नंबर 24 है, तीन गुना नंबर है। जबकि एफर्ट वाइज आपको पता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पूरा पढ़ना और थर्मोडायनामिक्स पढ़ना लगभग बराबर है। इसी प्रकार वेव्स और ऑसिलेशन, इसमें एसएचएम पर क्वेश्चन आएगा, एक साउंड वेव पर आएगा, ऑर्गन पाइप्स पर या डॉपलर इफेक्ट के ऊपर। तो ये दो ही टॉपिक उसमें करने हैं आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आप जिंदगी में कई बार कर चुके हैं, वो करना चाहिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैग्नेटिज्म में भी नहीं आते हैं। तो ये टॉपिक अगर आप करते हैं मस्ट डू वाले, जिनमें बाकी टॉपिक छोड़ कौन से दिए गए हैं, ये वो टॉपिक छोड़े गए हैं जिनके अंदर कम मार्क्स, मतलब आपको उतने नंबर के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, 90% 90 मार्क्स बेसिकली, सॉरी नॉट परसेंटेज, 90 मार्क्स आपके पास 11 से और 90 मार्क्स आपके पास 12 से, मतलब आधे आधे दोनों का सिलेबस है, बिल्कुल एग्जैक्टली 2018 में। अब ये मैंने आपको शीट बताई जो 2018 के वीडियो में मैंने डाली थी, 2019 के पिछले वीडियो में, और अब मैं इसी का कंपैरिजन आपके 2019 से करूंगा इस शीट को देखकर साथ। तो 2019 में क्या हुआ था, दो पेपर हुए थे उड़ीसा में, कुछ चक्रवात आ गया था, इसकी वजह से उड़ीसा में दो बार पेपर हुआ, लेकिन मैंने उड़ीसा का पेपर और ऑल इंडिया का पेपर लगभग बराबर था, तो मैंने ऑल इंडिया से उसकी शीट निकाली है। ये देखिए ऑल इंडिया के क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपके सामने, टॉपिक्स आप जानते हैं यही पूरे। ये परसेंटेज थी आपके पास क्लास सॉरी एक साल पहले 2018 के ऊपर, और ये 2018 के मार्क्स यहां पर, मतलब ये यहां तक की शीट 2018 की और 19 की शीट बराबर है। अब यहां ये मस्ट डू इट लिखा था, अब आप देखिए 2019 में क्या आया। अब आपके सामने वो लिस्ट देने वाला, बिल्कुल आराम से देखिएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं वर्क पावर एनर्जी का 32 नंबर का ही है, रोटेशन में उधर 20 नंबर इधर 14 नंबर, प्रॉपर्टीज में 16 नंबर 24 नंबर, सेमीकंडक्टर में 8 के 12 हो गए, एटम मॉलिक्यूल में 24 हो गए, ऑप्टिक्स में कम हो गए 12। फर्क कहां कहां आ गया आप उन टॉपिक को देखिए। ईएमआई एसी में अभी भी 8 नंबर बिल्कुल, लेकिन वो अब ध्यान दीजिएगा मस्ट और डू इट। हमने जो छोड़े थे वो क्या थे, हमने शुरू में छोड़े, मतलब आपको कहा था कि इसको कम प्रेफरेंस, माना तो मैं किसी चीज को पढ़ने को नहीं करता, जितना आप पढ़े उतना ज्यादा अच्छा है। तो आपके पास क्या क्या पोजिशन है अब ये देखिए। अब यहां पर भी आप देखिए जो वेव ऑसिलेशन के ऊपर वाला हिस्सा है, मतलब जो 32 से ये पोर्शन आपके पास ये वाला यहां से यहां तक, अगेन 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 24 44, 40 प्लस 4 प्लस 56 एंड 32, 90 नंबर के आसपास का ये बनता है, मतलब लगभग 11वीं और 12वीं फिर लगभग बराबरी आ रही है। अब जो हमने अरे मस्ट वाले क्वेश्चन पिछली बार जो आपको मस्ट के टॉपिक दिए थे, ध्यान दिए पिछली बार जो मस्ट के टॉपिक थे उनमें भी 76 मार्क्स थे, इस बार भी 76 मार्क्स का है। तो जो मस्ट टॉपिक है वो तो 76 नंबर के सीधे आपके पास आते हैं, और उसके बाद हम आते हैं जिसके ऊपर आपने बात करी कि डू इट में 82 मार्क्स पिछले साल थे, 96 इस साल थे, माने अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो पिछले साल आपके पास 158 नंबर तैयार होते थे और इस बार आपके पास 170 मार्क्स के आसपास तैयार हो रहे हैं।
समझ रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंस चीज आप समझिए, इन दोनों को जोड़ करके आप 150 को आसानी से क्रॉस कर जाते हैं। और यहां पर अगर आप देखें लगभग में 9th और 11th और 12th भी लगभग सेम मार्क्स का है, तो जो मस्ट वाले टॉपिक है वो भी नहीं बदलने वाले, डू इट वाले टॉपिक में आपकी बेहतरी ही हो गई है, एटम मॉलिक्यूल 12 की जगह 24 नंबर का आ गया। तो आप मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप मस्ट और डू इट वाले चीज को करें तो लगभग 75 मार्क्स आपके पास तो सेम ही चल रहे हैं, और लगभग 80 मार्क्स आप मिनिमम ले लीजिए, फिर भी 155 मार्क्स आपके पास स्ट्रेट वे इनसे आते हैं। तो हम मस्ट और डू इट वाले टॉपिक को ही अगर अच्छे से कर ले तो हम 150 प्लस का टारगेट आराम से सोच सकते हैं। कंडीशन सिर्फ एक है कि जिन टॉपिक्स को आपने करना है उसको कंप्लीट करना है, आधा अधूरा आपने किसी भी टॉपिक को नहीं ढूंढना। तो ये अब आपने देखना है, अब समझना ये है कि कैसे आप इनके मार्क्स को ला सकते हैं। आपका सारा तवज्जो सारी मेहनत अब इस तरह होनी है कि इन मार्क्स को कैसे लाना है। तो अब हम पुराने वीडियोस मेरे को आपको मेरे मिल जाएंगे, लेकिन मैं अब नई वीडियो बना के डालने वाला हूं पिछले साल के पेपर्स को साथ में लेकर के, जिसमें कि मैं उनसे शुरू करूंगा जो मेरे लिहाज से लीस्ट मेहनत पर सबसे ज्यादा मार्क्स दिलवाने वाले टॉपिक है। तो मैं सबसे पहला वीडियो आपको डालूंगा एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियस, आप देख सकते हैं जिसको हमने शुरू में भी मस्ट में किया था, अभी भी मस्ट में रखा हुआ है, और पहले इसमें 12 नंबर थे, इस साल इसमें 24 नंबर आ गए थे। किसी भी हालत में लगभग 12 मिनिमम और 20 के एवरेज आप लेके चल सकते हैं नंबर, आपके पास 5 क्वेश्चन एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियस के आ सकते हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं, मेहनत ज्यादा नहीं है। तो इस तरह हम लोग टॉपिक वाइज जिसमें कम डिफिकल्टी है और ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं वहां से शुरू करके हम धीरे धीरे आगे चलेंगे, राइट? चलिए इसको आप देखिएगा, अगला वीडियो मेरा शीघ्र ही आपके पास एटम्स का आने वाला है, उसको पहले एक वीडियो में हम उसको रिवाइज करेंगे, और अगर रिवीजन कम समय में हो गया तो हम ये चाहेंगे कि उसमें क्वेश्चंस कर दें, वरना आपको क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जैसे इसमें बताया 12 और 24, अगर इन दो सालों के क्वेश्चन भी लिए जाएं आपके लिए तो 36 नंबर के तो यही हो गए, उसके अलावा 3-4 क्वेश्चन उसके भी होंगे, 36 का मतलब 9 क्वेश्चन यहां पर हो गए हैं और 3-4 क्वेश्चन उड़ीसा के भी होंगे, तो कुल मिला के आपके पास लगभग 12 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कितने एक एक वीडियो में विस्तार फिट होते हैं, उसको कर लेंगे, क्योंकि मेरा नियम ये रहता है या मैं ध्यान से समझता हूँ कि 12-15 मिनट से बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाया करता हूँ, क्योंकि एक बार में उतने की मतलब समझ रहता है या याद रहता उतना ही रहता, तो उतने कोर में किया करता हूं। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे, अब आप शीघ्र ही मेरे दूसरे वीडियोज को प्राप्त करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।